काम जो दिख रहा है सारा आम आदमी पार्टी का है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, आप रोड देख रहे हो। पूर्वांचल फैक्टर इस दिल्ली चुनाव में कितना काम आता है, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल फैक्टर की इस चुनाव में ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 40% वोटर जो है वो पूर्वांचल के हैं। इसीलिए हम जानने निकले हैं कि आखिर पूर्वांचल वालों की क्या सोच है, क्या वो इस दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल फैक्टर देखेंगे या फिर काम पर वोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की और जानते हैं लोगों की राय। विकास शून्य है, 4.5 साल तक हमारे विधायक जी का लापता थे, यहाँ रोज अखबार में यही निकलता था, पोस्टर लगते थे लापता विधायक को ढूंढ लो। 6 महीने में वो दिखे हैं तो पूरा संगम विहार खोद दिया है, हर जगह खुदा पड़ा हुआ है, इस आशा के साथ कि शायद जनता ये समझे कि हर चीज़ खुदी है तो बनेगी और वोट दे देगी आम आदमी पार्टी को। पूर्वांचल प्रधान जगह भी है, यहाँ अपना वासिंदा कोई नहीं है, यहाँ जो लोग भी हैं बाहर से आए हुए हैं मेजॉरिटी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की। अब नेचुरली जो पूर्वांचली होगा तो गांव का फर्क तो पड़ता ही है ना, कि जिसको न निज गौरव, जिसको अपना गौरव नहीं है वो देश की गौरव बाद में करेगा ना, तो गौरव तो सीखेगा घर से। तो यही चीज़ यहाँ पर बिहारी है तो बिहार की बात तो करेगा कि नहीं करेगा, अब पूर्वांचली है तो पूर्वांचली बात करेगा। अब पूर्वांचली अगर नीतीश जी ने किसी कैंडिडेट को खड़ा किया है पूर्वांचली ने, तो पूर्वांचली उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन वो सपोर्ट ये बेस कास्ट बेस नहीं होगा, रीजन बेस नहीं होगा, वो ऐसा बेस होगा जिसमें उस कैंडिडेट की अपनी एक इज्जत हो, उसकी कैंडिडेट की अपनी एक पोजीशन हो यहाँ पर, जिसको वोट करेगा। आज 5 साल हो गए, 5 साल में ये रोड जो है अभी तक सफ़र कर रही है यहाँ की जनता जो है, एक रोड तैयार नहीं हुआ, इतना तंग कर दिया है यहाँ की जनता, इतनी परेशान है इस समय पर। और जो भी रोड पर ये रोड़ी वगैरह डाला है, जो रोड बनाए हैं, गलियाँ बनाई हैं, मलबा डाल के प्लान करके उसके ऊपर रोड़ी डाल दिया, कोई हैवी गाड़ी चढ़ गई उस पर माल भर के तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब जवाब देने के लिए बैठी हुई, आप देख रहे हैं रोड की हालत क्या है, जो दूसरा बतरा रोड है वहाँ पे जो कोई मर जाता है तो उसको ले जाने के लिए कैसे जाम में लोगों को निकलना पड़ता है, हमने यहाँ देखा लोग मर गए, गिर गए, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो आप रोड देख रहे हो, अब हुआ है मतलब पिछले 15 दिन से थोड़ा ऐसा हुआ जो इस पर चल सकता है आदमी, नहीं तो कोई अंदर घुसने की व्यवस्था नहीं, कोई बंदा अंदर आ गया तो वो सोचता है मैं जाऊँगा कैसे। आप जैसे लोगों को, आप लोग पहले नहीं आए यहाँ पे, 1 महीने पहले आप आते तो जाने के लिए सोचते जाएं कहाँ से, बिहार से। तो बिहार के लाला जो है आपके मनोज तिवारी, क्या लगता है इस बार कुछ कमाल करेंगे? कोई मनोज तिवारी वाले नहीं है। तो क्या लगता है कौन काम कर रहा है? ये दिनेश मोहनिया कर रहा है, किया है कौन से काम किए हैं जरा बनाया है, क्या नहीं किया है, पानी दिया ही है, स्कूल के टीचर जो स्कूल में जो बाहर से जो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं उनसे जा करके पूछे स्कूलों में क्या हालत है, वो गालियां देते हैं और बाहर से अगर अभी बारिश हो जाती है ना तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल क्या है। ये पास ये कहिए मेरे को संगम बिहार जाना, अंदर कहेगा मेरे को नहीं जाना, संगम बिहार मना कर देगा तुरंत, मैं संगम बिहार नहीं जाऊंगा। आप लोग कहाँ? मैं यूपी से हूँ, साफ साफ कहना है अगर दिल्ली वालों को केजरीवाल नहीं चाहिए तो हमें भेज दो हमारे पास केजरीवाल, हमें केजरीवाल चाहिए यूपी में। आम आदमी पार्टी कितना काम किसी ने किया ही नहीं, बाकी जो काम जो दिख रहा है सारा आम आदमी पार्टी का है, अभी तक जितनी भी सरकार आई किसी ने काम नहीं किया, किसी ने अभी तक काम नहीं किया, और ये जो जो अफवाह फैला रहे हैं ये सब गलत लोग हैं, एक भी अच्छा आदमी नहीं। केजरीवाल का कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्या किया है कि पहले तो ये कह रहे थे कि हमारे को मोदी सरकार काम करने नहीं दे रहा है, तो मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल तक आप तो चुप बैठे रहे, 5 साल में मोदी जी ने आपको क्या कर दिया, क्या आपने इतना विकास करना चालू कर दिया, और विकास के नाम पे संगम बिहार में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप बिहार से? हाँ जी बिहार। तो फिर थोड़ा भोजपुरी बोल के दिखा दीजिए। हम भोजपुरी बोला था कि इस बार नीतीश कुमार के वोट दिया ही, और बढ़िया से पूरा बिहार का आदमी पूरा नीतीश जेडीयू के गठबंधन बीजेपी के साथ में वजन बा तमना कंपनी के वोट देम सन, और बढ़िया से जिता के एसीएल गुप्ता जी के परम एकदम चरमायम सन, यहाँ से कोनो दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है रोक सकत। 4 साल से तो केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, 3 साल से तो रोड खुदा पड़ा है, और अब भी 6 महीने से वोट लेने के लिए लेडीज फ्री जो डेली जाने वाली है वो तो रोज टिकट भर के आ रही है, शाम के टाइम में कोई बसेस नहीं है,
आफ्टरनून में कोई बसेस नहीं है, हम लोग तो टिकट भर के जाते हैं, फ्री वाली घर के बैठी हुई सब भागती हैं। अगर बात करें दिल्ली चुनाव के, सियासी पारा एकदम अंतिम दौर पर है, जहां एक तरफ बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हुआ है तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी का भी गठबंधन देखने को मिल रहा है। बीजेपी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी तीनों यहाँ चुनाव मैदान में है और तीनों ताकतवर हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पहले से संगठन मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फेस पर भी यहाँ जो भी पूर्वांचल के लोग हैं, खास के बिहार के लोग हैं या यूपी का सटा हुआ इलाका है, लोग उनको निश्चित रूप से उनके नाम पर भी बहुत सारे लोग यहाँ वोट दे रहे हैं। फिर आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी पार्टी के साथ गठबंधन, तो हम लोग मतलब माहौल निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में है और इस बार उनकी सरकार बनेगी। क्या मालूम है कि इस समय जोर ज़्यादातर केजरीवाल का है? अच्छा, क्या लगता है काम किया है केजरीवाल ने? किया है। इस बार तो मुझे मोदी का लगता है। अच्छा। मोदी का काम करेंगे मोदी? हाँ, लग रहा है कि काम करेंगे, बाकी अब जैसे भी हो, क्योंकि एक लोग तो खड़े नहीं, वोट काटने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, है ना। तो जैसे हमने आपको बताया कि अब हमारा ये जो सफ़र है वो जैतपुर गांव आ पहुंचा है। एक बड़ा तबका पूर्वांचल का यहां पर भी रहता है और यहां के लोगों से जानेंगे कि पूर्वांचल फैक्टर इस चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। हमारे साथ यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लगातार बातचीत भी चल रही थी चुनावी रणनीति को लेकर, क्या कुछ चुनाव सरगर्मियां हैं उनको लेकर बातचीत चल रही थी, तो इनसे जानते हैं यहाँ के दिल्ली चुनाव को लेकर पूर्वांचल फैक्टर क्या सोचता है। पूर्वांचल तो ये सोचता है जी कि पूर्वांचल का ही बंदा बने और उसके साथ ही ये सारे लोग, मतलब बराबर का अब आ गया है। अब इस सियासी गर्मी में नीतीश कुमार भी कूद गए हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी कूद गई है, तो वो तो बिहार संभाले अच्छी तरह से। यहाँ जो है दो पार्टियाँ हैं, वही बीजेपी या आम आदमी पार्टी, दो में से एक ही को आना है जी। हमें लगता है कि यहाँ पे केजरीवाल जी का जोर है और जो सरकार बनेगी वो जो है झाड़ू की ही बनेगी। तो केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में? जरूर जी, पूरा काम किया है दिल्ली के अंदर और बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं हॉस्पिटलों में, स्कूलों में और इलाज के लिए भी कहीं सारी सुविधाएं हैं। हम तो जी वो आएगा हाथी वाला, बाकी ये दोनों पार्टी तो हारेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि हाथी आएगी तो काम करेगी? कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगा। अच्छा, चलिए, सबकी अलग अलग राय है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, सबसे जानना चाहेंगे पूर्वांचल फैक्टर की बात हो रही है तो जो प्रचार हो रहा है वो गानों पे, भोजपुरी गाने बहुत प्रयोग में लाए जा रहे हैं, कई सारी तंज कसे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, लोगों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि ऐसे काम आएगा इन गानों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करना, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो? लोग जी गानों का तो मनोरंजन कर रहे हैं, बाकी जिसको जहाँ वोट देना है वहीं देगा और गानों के माध्यम से लोग मतलब जो अपना मनोरंजन का काम, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी करने का बहाना है वो फैक्टर नहीं है यहाँ। गाना फैक्टर बहुत बड़ा नहीं होगा, जिसको भोजपुरी गाना बजे या मैथिली बजे या हिंदी बजे, एक भोजपुरी गाना बजाने का मतलब होता है कि एक रीजनल जो लोग जो पूर्वांचल से उठ के यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं उनके भाषा को बोल के उनको लुभाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। मैं जेडीयू का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और यहां पे लाइन है जेडीयू भाजपा से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा की सरकार यहां पे बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी अभी दो दो रैली किए हुए हैं दिल्ली के अंदर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ पे दिल्ली में बननी एकदम पूरी तरह संभव है। और देखिएगा कि हम लोग 45 से 50 सीटें लेके आएंगे, चेहरा तो तय होगा वो जो कैबिनेट, चेहरा तय होगा वो कैबिनेट का फैसला है कि चेहरा कौन होगा। चेहरा पहले कैसे पता लगेगा कि चेहरा कौन सा होगा? ये चेहरा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार। चलिए ठीक है, वो चेहरे का बात, काम की बात करते कि काम किसका विकास है। हम लोग विकास के नाम पे लड़ रहे हैं हम लोग। अलग अलग फैक्टर यहाँ पर और भी लोग मौजूद हो गए हैं कि सारी चीजें क्या कुछ चल रहा है। अगर आपके इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर किसका लग रहा है? उनके नेतृत्व में ही बनेगी सरकार। अभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है,
उनके कैबिनेट में जो फैसला लिया जाएगा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट में जो फैसला लिया जाएगा, जो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे उस वक्त मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के। तो चलते चलते एक बार फिर एक सफर महिलाओं पे आकर रुक गया है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि इस चुनाव में उनकी क्या कुछ राय है। आप लोग कहाँ से है? बिहार की। बिहार की है, पूर्वांचल से है। क्या लगता है इस बार चुनाव में? चुनाव में अच्छी है। किस पार्टी को आना चाहिए? मोदी को। मोदी को आना चाहिए। आपको लगता है मोदी काम करेगा आपके लिए? हाँ हाँ, कर अभी तो वही कर रहे हैं भाई। और भी हो गए, क्या लगता है आपको, आप कहाँ से हैं? मोदी को ही वोट देंगे, मोदी को ही आना चाहिए। और आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं, तो आपको यहाँ पर मनोज तिवारी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, सही है। रवि किशन, निरहुआ, सब सही है भाई, अपने अच्छे हैं। तो क्या लगता है चुनाव में वो इस बार आगे आएंगे या आप पार्टी को आगे करेंगे? जो मोदी ही आएगा आगे। मोदी ही आएंगे, उन्होंने काम किया, अभी तो दिल्ली में है नहीं, क्या लगता है वो काम कर लेंगे जब वो आएंगे तो? जी हाँ, करें। हाँ, आगरा से। आगरा से हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में? सही लग रहा है, सही हो रहा है। इस बार जो पार्टी है वो बदलनी चाहिए या वही? नहीं, बदलाव तो आ गया, वो तो आ गया। हाँ, किस चीज में बदलाव देखा आपने? हैं? किस चीज में बदलाव देखा? हर चीज में बदलाव आ गया, और क्या है? महिला सुरक्षा की बात की जाती है यहाँ पर, सबसे बड़ा जो दिल्ली में मुद्दा है महिला सुरक्षा, क्या लगता है आपको आंटी, महिला सुरक्षित है यहाँ पर? सुरक्षित है, आपको क्या लगता है? हाँ, है। तो आराम से बस फ्री कर दी गई है, फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तो जॉब वालों के लिए, सबों के लिए थोड़ी ना है। नहीं, बस तो सबके लिए फ्री है, आप जाते हैं सबके लिए तो है, पर एक बार जो नहीं जा रहे, गांव जा रही थी, बस वाला नहीं ले गया, खड़ा रहे 3 घंटा तक वो, हम यहाँ पे बदरपुर में बस वाला ले नहीं गया। बदरपुर स्टेशन गाँव से करना ही है, बदरपुर से आगे जाएंगे जमना नहीं लगेगा, बदरपुर से इधर आने जाने का तो लगना ही लगना है, नहीं बदरपुर से इधर का तो लग ही रहा है, क्या फायदा है। सड़क की सियासी चर्चा अब किचन तक आ पहुंची है। यहाँ पर किचन में 2-3 महिलाएं मौजूद हैं जो इस वक्त खाना बना रही हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि घर के अंदर सियासी माहौल कैसा है। काम वही आएगा जो यहाँ काम करेगा, पूर्वांचल और जातिवाद और ये यहाँ वहाँ कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही उसी की वैल्यू है जो हमारे लिए काम करेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। क्या लगता है किसने काम किया है दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल ही काम कर रही है, क्योंकि हमें उन्हीं के काम को दिखाई में आ रहा है और वही काम उन्हीं की सेवा हमें मिल रही है। और महिला सुरक्षा की लगातार बातचीत की जा रही थी, आपको क्या लगता है दिल्ली में अब महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ है अभी, क्योंकि हर जगह CCTV कैमरा लग रहा है। केजरीवाल 8 बजे के बाद अगर कहे कि घर से निकलना, आपको कहीं जाना है, तो चले जाएंगे बेधड़क? हाँ, कोशिश तो रहेगा कि चले जाए। काम तो किए, लेकिन बीजेपी हर जगह काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल ही काम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल का ही काम हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें कूड़ा डालने की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, अब कोई टेंशन ही नहीं है, हर जगह मेट्रो वगैरह बस वगैरह फ्री कर दिए लेडीज़ के लिए, तो हमारे लिए तो वही काम कर रही है ना। बीजेपी के लिए तो हम नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कह रही नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल ही बेस्ट है और जगह। बिल्कुल, तो लगातार कई सारे ओपिनियन हमने पहले भी देखे थे और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, भले पूर्वांचल फैक्टर हो लेकिन कहीं ना कहीं इससे हटकर जो दिल्ली में काम कर रहा है उस पे जनता वोट करेगी और 11 तारीख को तय करेगी कि किसकी सरकार दोबारा आनी है या नई सरकार आनी है। तो दिल्ली की ठंड के साथ सियासी गर्मी अब हर जगह देखने को मिल रही है। आपने भी जाना किस तरीके से पूर्वांचल वोटर्स की, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, उनकी क्या कुछ राय है, कुछ जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कुछ आप, तो कुछ अन्य पार्टियों के भी, तो लगातार सबकी मिलीजुली राय देखने को मिली। बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं और 11 फरवरी को इसके नतीजे आने वाले हैं। क्या कुछ परिणाम होगा, जनता के दिल में कौन घर करेगा, ये तो 11 फरवरी को पता चलेगा। कैमरामैन कमल सिंह के साथ मैं ऋतु तिवारी, जनतंत्र TV। जो काम जो दिख रहा है सारा हमारी पार्टी का, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, आप रोड देख रहे हो या?